शगुफा दिया गया है कि ये मोनेटाइजेशन जो है ये सरकार की ओनरशिप चेंज नहीं होगी। ये जो एसेट्स थे ये 70 साल में या उसके पहले जब आप हमसे पूछते थे, एक बड़ी अच्छी बात करी निर्मला जी ने और मोदी जी ने, अब किसी भक्त की यह पूछने की औकात नहीं होगी कि 70 साल में क्या हुआ, क्योंकि 70 साल में एक ही जवाब है, 70 साल में वो सब बना जिसकी अब आपने ग्रैंड इंडियन सेल लगा दी है। दूसरा, मुझे लगता है मोदी जी को सलमान खान बहुत पसंद है। सलमान खान का एक डायलॉग था, जब मैं कमिटमेंट कर देता हूं तब मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं। मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं करूंगा, लेकिन कमिटमेंट कर दी उन्होंने कुछ पूंजीपतियों को, तो अब वो देश भी बेचेंगे, वो सब कुछ प्राइवेटाइज करेंगे। ये काम तो आप कर रहे थे, उस सवाल का जवाब नहीं दिया। रेलवे की प्राइवेटाइजेशन, एयरपोर्ट का निजीकरण आपने किया ना शुरू। हाँ वही दे रही हूँ, उसका भी दे रही हूँ, उसका मैं जवाब दे रही हूँ। स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक, कल नीति आयोग ने बड़े फैनफेयर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या सरकार की वित्त मंत्रालय को और नीति आयोग के पास एक भी पेपर है जिसमें उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि किस क्राइटेरिया से ये मोनेटाइज किया जा रहा है? क्या उन्होंने पूछा है या बताया है कि क्या स्ट्रेटेजिक है क्या नॉन स्ट्रेटेजिक है? अगर नॉन स्ट्रेटेजिक है तो उसको बेच दीजिए, अगर स्ट्रेटेजिक है तो उसमें गवर्नमेंट का रहना जरूरी है। क्या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यहां पे यूज किया गया है?